ये बच्चा मेरा पड़ा इधर, मैं पढ़ी, किसका सहारा ढूंढूं ये बताओ। अल्लाह माफ करे, हमारे लिए तो आप एक फरिश्ता। अस्सलामुअलैकुम, मैं अभी आया हूँ बिजनौर इलाके में। बिजनौर का एक इलाका है नगीना। मैंने आपसे एक साल पहले भी यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी। हमें पता चला था यहाँ पे हमारे यासीन भाई हैं जो पिछले 10 महीनों से बेड रेस्ट में हैं, चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। तो उनके बारे में कुछ सोचा तो हमने मदद भी पहुँचवाई थी। आप चलते हैं उनके घर में और देखते हैं क्या स्थिति है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल अम्मा जी? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो परेशान क्यों हो रहे हो? पहचाने नहीं पहचाना? मुशाहिद हूँ मैं, मुझे खोल की थी ना आपने, मुझे वीडियो भेजी थी ना आपने अपनी बना के। अल्लाह तुम्हें इतना दे, दुनिया की दौलत दे मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की खुशियाँ दे और दौलत दे जो हमसे वालों को भी कोई देख सके। नहीं तो देखने के लिए तो आए इतनी दूर से, ये बताओ क्यों आए हम? परेशान मत हो इंशाल्लाह। भैया परेशान क्यों ना हो, ये बच्चा मेरा पड़ा इधर, मैं पढ़ी, किसका सहारा ढूंढूं ये बताओ। हमें 2 दिन पहले आपके बारे में पता चला था जी। 2 दिन में इंशाल्लाह हमने शुरुआत कराई है मदद की, तो अब इलाज के लिए परेशान ना हो जाएगा इलाज। ये हमारे यासीन भाई हैं। तो बैठ नहीं सकती यासीन भाई? नहीं, बस ऐसे बैठा हूँ सहारे से। तो पीछे दीवार टेक ला के बैठते हो? अच्छा, बैठ जाओ फिर। तो यासीन भाई, आपने हमें अपनी वीडियो भेजी थी, अपने बारे में बताया था, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह सबके साथ है ना यासीन भाई। 10 महीने से इसी तरह पड़ा हूँ मैं। देखो, 10 महीने से आप पड़े हो ना, तो हमें तो पता कितने दिन पहले चला, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। 3 दिन में आपके पास मदद आई नहीं आई? एक उम्मीद जगी कि हाँ। अल्लाह माफ़ करे, हमारे लिए तो आप एक फरिश्ता। नहीं, हम तो बस फरिश्ता तो है नहीं, लेकिन ये काम तो सबका है मेरे भाई, ये काम मेरा थोड़ा ही है। प्रॉब्लम का भंडार है आपके यहाँ पे, कमाने वाले आप ही हो, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। कैसे आपकी माँ कैसे मांग के लाती होगी, आपको खिलाती होगी? अभी है कि खाना पड़ोसी दे देते हैं, कभी कोई, इस तरह से चल। तो अब यार हमें रुलाओगे यासीन भाई, मेरा दिल तो बहुत छोटा यार, रोने लगता हूँ मैं। 3 दिन में जब से आपने हमसे संपर्क किया, ये बताओ, अल्लाह ने मदद भेजी नहीं है आपको? भेजी है, लेकिन देखिए आपकी जो बीमारी है वो लाइलाज नहीं है, इलाज है इस बीमारी का। भैया कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप 1 से 1.5 महीने में, आज के बाद में जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा ना, 2-3 महीने बाद जब आऊँगा, तो आप मुझे चलते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जब यासीन भाई, जब जाने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है, तो कैसे करते हैं? बच्चों को देख लेता हूँ। बच्चे ले जाते हैं बाहर? बस उन्हें देख के दिल भर लेता हूँ। दस महीने से यही हो इसी बेड पे। क्यों रोए हो छोटी? क्यों रो रहे बेटा? पापा कैसे रो रहे? अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा। देखो छोटी, ये हमारे से पूछा जाएगा कि ऐसे ऐसे बच्चे जब रोते हैं ना अपने बाप को देख के कि बाप किस हालत में 10-12 महीनों से है। देखो कितनी उम्र है इसकी, मुश्किल से 10-12 साल होगी बेटा। 10 साल की उम्र में इस बच्चे को पता है कि क्या स्थिति है। बच्चे अपने खेल में कुछ नहीं, सब खेल में गवा देता है, लेकिन सब बताऊँ, लड़कियों को एहसास होता है अपनी फैमिली का, अपने घर का एहसास होता है। देखो बेटा, तुम्हारा चाचा है ना तुम्हारे बाद में, पहले हंस के दिखाओ मुझे, हंस के दिखाओ आप पक्का रोगे ना, नहीं रहोगे। सुना कि आपकी वाइफ भी आपको छोड़ के चली गई है ना, लेकिन बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं गए। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं ज़्यादा तो कुछ तो ला नहीं पाया। ये आपने मुझे क्या दे दिया? क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया ना। ये दे दिया कि आप घूमो, हम घुमाएंगे आपको बाहर, है ना, घुमाएंगे। 10 महीने से 12 महीने से आप घर से बाहर नहीं निकले ना, कम से कम इसके सारे घर से बाहर तो निकलेंगे ना। चलो अल्लाह खैर करेगा। तो भाईजान ये सोच रहा हूँ कि बस किसी तरह मेरी माँ अच्छी हो जाए, माँ अच्छी हो जाए, देर में अच्छा हो जाऊँ, लेकिन मेरी माँ वालिद साहब तो पहले छोड़ गए। देखो, जब मैं 200 किलोमीटर से चल के यहाँ पे आ सकता हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आप जो आसपास के इलाके में रहने वाले हैं, बिजनौर के आसपास के, नगीना के रहने वाले हैं, वो जो नगीना में आए, इनके घर पे आए, इनका पता क्या पता है आपका साहब? नगीना मोहल्ला काजी सराय कुआरी वाली मस्जिद के पास, मोहल्ला काजी सराय कुआरी वाली मस्जिद के पास नगीना इनका गाँव है। कोई भी बता देगा। यासीन भाई हैं, यासीन अलविन का नाम है। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म होती है। ख़त्म मतलब ऐसा नहीं कि मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म होती है कि मैंने इनकी हालत आपको दिखा दी। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप आसपास के अगर इलाकों में हैं तो आइए मेरे भाई, ऐसे लोगों की मदद कीजिए, ये लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। यासीन भाई, इस पर बैठ के दिखाएँगे आप? आज हम लेके जाएँगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में से मुझे इनके बारे में पता चला था, आज तीसरा दिन है मुझे इनके पास आए हुए, तो शुक्र है अल्लाह। करीबन 50,000 तो आगे होंगे साहब, 50,000 के करीब आपके पास मदद आ गई है। 45 चलो इंशाल्लाह आएंगे। 45 सोचा था कि 45 को दे देगा। मैं तो कोई 45 रुपये भी नहीं देता जी। किसी ने अभी तक कोई बिल्कुल मदद नहीं पहुंचाई। हम तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं अभी आखिरी टाइम है, जो भी जी ले। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमारे लिए तो अल्लाह माफ़ करे, आप एक फ़रिश्ते की तरह आए हो, और अब ऐसी उम्मीद जागी है कि मैं सही होकर फिर एक बार अपने माँ और अपने बच्चों की देखभाल कर सकूँगा, परवरिश कर सकूँगा। मैं गिरूँगा तो नहीं? नहीं कैसे यार, यासीन भाई कैसे गिरोगे? ओफो अल्लाह। कितने दिनों के बाद निकले यासीन भाई बाहर? करीब 11 महीने हो गए, करीब 11 महीने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं आज दुनिया में आया हूँ 1 साल के बाद। बस ये बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे यहाँ के, जिनसे मैं कुछ काम ले लेता हूँ, कुछ मंगा लेता हूँ, बाकी। अब तो खुद जा सकते हैं ना आप? अब तो इतना है कि आप इस पर बैठ के अपनी एक्सरसाइज भी करा सकते हो, ठीक है ना, मालिश भी करा सकते हो। चाचा आ गए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेके जाएंगे डॉक्टर के। हाँ, लेके जाएंगे डॉक्टर के आपको। अभी आपकी अम्मी ठीक हो जाएंगे ना, अम्मा ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद में फिर लेके जाएंगे वहाँ पे। और ये तो हमारी तरफ से थी थोड़ी सी आपके लिए एक छोटा सा और मेरी तरफ से। ऐसा मत करो आप। ये कुछ पैसा है भाई, छोटा भाई हूँ आपका। क्या कहूँ मैं? रखो, इलाज के लिए आपके पैसे हैं ना, ये बार बार मदद नहीं होती। अल्लाह ने मदद भेजी है तो इस मदद को रखो अपने पास में, ठीक है ना। और है बेटा, नए कपड़े नहीं पहने 1 साल से, मन करता है नए कपड़े पहनने का। अरे बेटा इधर आ जाओ, ले ये नए कपड़े तेरे लिए, ठीक है ना, नए कपड़े लाने, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए नए कपड़े। ओके, खुश है ना? खुश है ना? हंस के दिखा, देखो भाई हंस रहा है, खुश हो ना बेटा। मैं अपने भाई के लिए तो कुछ लिया है, लेकिन आपके लिए कुछ लेके नहीं आया। कोई बात नहीं, ये आप मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं। मेरे बेटा, मैं तुम आ गए, मेरे लिए यही बहुत है बेटे, मेरे लिए तो यही बहुत है। तुम आ गए और क्या चाहिए मुझे? कोई बात, और तुम आते रहो बेटे, अल्लाह तुम्हें इतना दे। ये आपके इलाज के लिए 5000 रुपये, ठीक है ना, वो मैंने उनको दे दिया 12,000 रुपए। ये आपके इलाज के लिए पैसे हैं, ठीक है ना। अपना इलाज कराओ इनसे, इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा। आपके पास जितना पैसा आ गया है इतने से इलाज हो जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी और मदद कराऊँ, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है ना। खुश रहें बस, ठीक है। देखो किसी के चेहरे पे खुशी लाना ना बहुत बहुत बड़ी बात है। गम तो हमेशा हर कोई देता है, लेकिन खुशियाँ बांटना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम यहाँ नगीना जो इलाका है जो कि बिजनौर में पड़ता है, वहाँ पे हम आए हैं और एक छोटी सी कोशिश की है कि हम अपने भाई को कुछ खुशियाँ दे सकें। इनको हमने कुछ थोड़ा बहुत जो हमसे हुआ हुआ दिया है, और इंशाल्लाह इलाज के लिए पैसे भी आने शुरू हो गए हमारे भाई के पास में। उम्मीद है कि इन पैसे का ये सही इस्तेमाल करेंगे, सही से इलाज कराएंगे, क्योंकि मदद बार बार नहीं आती भाई, ठीक है ना। अल्लाह पहले माँ को भेजना है इलाज के। हाँ भेजिए, आप माँ को भेजिए, ठीक है ना। जब माँ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह उसके बाद में बच्चों के पास रहेगी, तो आप फिर आप जाइएगा। अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा। अब तो खुशी के टाइम आ गया, रोना नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोग ही मदद करते रहिए, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक है। जब हम यहाँ आए थे तो एक गम का माहौल था, लेकिन अब जा रहे हैं तो मेरी बेटी भी हंस रही है, बेटा भी हंस रहा है और मेरे भाई भी हंस रहा है, और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे। अगर आप नगीना रहते हैं, नगीना के आसपास रहते हैं, तो मस्जिद के पास, जस्ट मस्जिद के बराबर में इनका घर है। कौन सी मस्जिद है साहब? कुंवारी वाली मस्जिद से 2 घर छोड़ के इनका घर है, कोई भी बता देगा। आप यहाँ आइए, मदद कीजिए, खुशियाँ बाँटे, क्योंकि ऐसी खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती। देखा आपने यासीन भाई के चेहरे पे किस तरह से खुशियाँ आ गई हैं। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि यासीन भाई को हम खुशियाँ दे सकें, उनके बच्चों के साथ में खुशियाँ बांट सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो डालने से पहले करीबन यासीन भाई के अकाउंट में 60-70 हज़ार रुपये की मदद आ चुकी है, जिससे कम से कम वो अपना इलाज शुरू करा सकते हैं और इलाज मुकम्मल भी करा सकते हैं। और हमने ऐसी तरतीब भी बनाई है कि हम हर महीने यासीन भाई को कुछ भेजें, जिससे कम से कम वो अपने घर का जो खर्चा है जब तक वो ठीक नहीं होते वो चला सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये खिदमत का काम ऐसे ही चलता रहे तो दिए हुए अकाउंट नंबर में आप हमें खिदमत भेज सकते हैं, जिससे हम ये सिलसिला जारी रखें और तमाम लोगों तक, 2, 4, 10, 50, 100 लोगों तक ये खिदमत का काम चलता रहे, कभी रुके ना। आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।